नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे भरत जैन के इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे जो पार्ट टू था हमारा, यानी कि हमने पहले वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे हम स्टोरेज को कैलकुलेट करें मोबाइल के ऊपर ऑन हैंड विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, फोन का यूज करते हुए हम कैसे यूज करें। और आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि उसी Seagate की स्काई वॉक जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का यूज करते हुए हम कोटेशन कैसे बना सकते हैं। मुझे इंस्टेंटली कोटेशन देना हो किसी को, मुझे वापस ऑफिस पे जाके प्रिंट नहीं करना, मुझे वहां पर जाके सॉफ्टवेयर में वो नहीं करना, या फिर मेरे पास में मैनुअल नहीं है और मैं उसको यूज नहीं करना चाहता हूं, थोड़ा स्मार्ट तरीके से यूज करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो बिना वक्त गवाए आपका चलिए शुरू करते हैं हमारा यह पार्ट टू, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बनाएंगे हम हमारे कोटेशंस। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था, आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल भी कर ली होगी। अब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में अब आपने स्टोरेज कैलकुलेटर देख लिया, जस्ट उसके नीचे है एस्टीमेट बिल्डर, तो आपको उस एस्टीमेट बिल्डर में जाना है। आप जैसे ही वहां पर गए तो यहां पर आपके सामने एक प्लस का सिंबल है ऐड आइटम्स करके, आप उसके ऊपर क्लिक किए। अब यहां पर आपने देखा कि आइटम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कैपेसिटी, मॉडल नंबर, क्वांटिटी, रेट, टैक्स एंड अमाउंट, ईच एंड एवरीथिंग यहां पर जो हमारे कोटेशन को बनाने के लिए जो नेसेसरी जितने भी जो बोल सकते हैं कि आइटम चाहिए वो यहां पर हैं। अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर मोस्ट ऑफली हमें जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब समझिए कि हमें कोटेशन बनाना है, एक चार कैमरे का कोटेशन मुझे बनाना हो तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको यहाँ पे प्लस पे जाना है और यहाँ पर जो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है Seagate की स्काई वॉक, उसकी जगह पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले अगर मैं कोटेशन बना रहा हूँ तो मैं सबसे पहले DVR पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उनको एक DVR दे रहा हूँ, मैंने वो DVR सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर नीचे मॉडल नंबर, आपको मॉडल नंबर अगर लिखना है तो आप लिखिए, वरना आप लिख सकते हैं 4 चैनल DVR या 8 चैनल DVR या 16 चैनल DVR। तो ये जो मॉडल नंबर है उसकी जगह पर आप उसका डिस्क्रिप्शन छोटा सा लिख सकते हैं कि वो DVR है वो कौन सी ब्रांड का है, या तो आप उसमें ब्रांड डाल दो, कितने चैनल का है वो डाल दो, अगर आपको मॉडल नंबर याद है तो वो डाल दो, आपको कुछ भी इसके अंदर एड ऑन करना है वो कर सकते हैं। फिर इसके यहां पर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूं कि भाई Hikvision का मैं DVR दे रहा हूं, Hikvision 4 चैनल, यहां पर मैंने डाल दिया Hikvision 4 चैनल DVR, ठीक है। क्वांटिटी मुझे एक देनी है, रेट कितनी है, एग्जाम्पल यहां पर बगैर कि उसका रेट में डाल रहा हूं 4,500 रुपीज, मैंने एक रेट डाले यहाँ पे कि वो जो 4 चैनल का जो Hikvision का जो DVR है उसका 4,500 है। यहाँ पर टैक्सेशन, अब आपको उसको टैक्स लेना है या नहीं लेना है या फिर उसको इंक्लूड करके देना है वो आपका कॉल है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ कि हम हमेशा जब भी कोटेशन देते हैं तो प्लस GST के अंदर देते हैं, तो मैंने यहाँ पर 18% प्लस कर दिया। तो यहाँ पर एक अमाउंट आ गया नीचे कि ये आप 5,310 रुपये, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आ गई। अब इसी तरह से आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐड करनी है इसके अंदर, तो यहाँ पर ऊपर आपका प्लस का सिंबल है वहां पर आपने क्लिक किया। इसके बाद में आप जाएंगे कि मुझे वहां पर एक हार्ड ड्राइव देनी है, तो ऑब्वियसली मैंने हार्ड ड्राइव पे सेलेक्ट किया, कितने टेराबाइट की देनी है मैंने सेलेक्शन किया था 1 टेराबाइट की देनी है। क्या लिखना है उसके अंदर, तो आप कुछ भी आपका जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो डालते हैं वो आप इसके अंदर डाल दीजिए, क्वांटिटी डाल दीजिए, रेट कितना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3500 में मैं एक हार्ड ड्राइव दे रहा हूँ, प्लस GST में मैं हार्ड ड्राइव दे रहा हूँ, मैंने उसको किया, देन आफ्टर ऐड कर लिया, ओके। इसी तरह से आप थर्ड नंबर पे जाइए, थर्ड नंबर पे मैं उसको बुलेट कैमराज दे रहा हूँ, बुलेट कैमराज में कितने दे रहा हूँ, यहाँ पर वही जो अगर Hikvision के 1 मेगापिक्सल दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर डाल दिया Hikvision 1 मेगापिक्सल कैमरा, ओके, बुलेट कैमरा Hikvision का 1 मेगापिक्सल इतना डाल दिया। क्वांटिटी यहाँ पर मैं इनको 4 दे रहा हूँ, रेट में उनको दे रहा हूँ Hikvision के 1 मेगापिक्सल की एग्जांपल 1500 रुपीज़, टैक्स के अंदर मैंने 18% प्लस GST कर दिया और उसको भी ऐड कर लिया। इसके बाद में मैं वहाँ पर उनको दे रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ जो भी आपके, चाहे आप IP कैमरा का कोटेशन दे रहे हैं या फिर आप HD कैमरा का दे रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद में हमको लगेगी एक पावर सप्लाई मैंने डाल दी और यहाँ पर मैंने डाल दी 4 चैनल पावर सप्लाई, ओके। तो यहाँ पर जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है आप वो डाल दीजिए, एक दे रहा हूँ मैं, वो 4 चैनल की पावर सप्लाई 950 में दे रहा हूँ और 18% GST है, वो मैंने कैलकुलेट किया, उसको भी ऐड कर लिया। इसी तरह से अभी हमारे BNC कनेक्टर्स लगेंगे, तो नेक्स्ट इज BNC कनेक्टर हमको लगेंगे, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं डालना डिस्क्रिप्शन में, और वो लगेंगे 8, और इस तरह से मैंने यहाँ पर 40, देन आफ्टर 18, ओके, इसको भी ऐड कर लिया। सेम एज इट इज मुझे लगेंगे यहाँ पर DC कनेक्टर्स, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया DC, और DC लगेंगे मुझे 4, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ उनको 20 रुपीज़ में, और ये 18%
और ये भी ऐड हो गया। अब मैं उनको दे रहा हूँ केबल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप केबल दे दीजिए उनको। ये देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। केबल 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 कहाँ गया, ये रहा केबल, एंड देन ये केबल। केबल के अंदर मैं कुछ नहीं डाल रहा, एक बार उसको मैं क्वांटिटी कर रहा हूँ, एक बार 100 meters, और रेट में दे रहा हूँ उनको 20 rupees, एंड देन आफ्टर 18% GST, और ये हो गया हमारा ये। देन आफ्टर आ गया इंस्टॉलेशन चार्ज, लास्ट में ये आ गया हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज। ओके, 4K मेरा इसका सेटअप है, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज हम दे रहे हैं 250 का, और इसमें भी मैं GST ले रहा हूँ इनसे। ओके, तो ये मैंने डाल दिया। तो इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये आपका पूरा पूरा 21,653 का इंक्लूडिंग GST का एक कोटेशन बन गया। अब यहाँ से इसको आप शेयर कर लीजिए। यहाँ पर आपको कस्टमर की डिटेल डालनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरी डिटेल डालनी है। यहाँ पर कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। यहाँ पर एड्रेस है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ग्लोबल सूरत करके मैंने एक एड्रेस डाल दिया, एंड देन आफ्टर इसको शेयर करना है। तो अब आप इसको क्या करना चाहते हैं, जैसे कि शेयर कर रहे हैं, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा प्रिंट आउट आ गया यहाँ पर, और यहाँ से इसको आप जाके इसको सेंड फाइल कर सकते हैं। ओपन वे डाउनलोड प्रिंट, आपको जो करना है वो आप ये कर सकते हैं, और ये आपका इस तरह से कोटेशन बन गया। अगर आप इसके अंदर एक एड ऑन करना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर आपका कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का लोगो कर देना है, तो वो भी यहाँ पर दे पाएंगे। तो चलिए हम चले जाते हैं यहाँ से अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर आपको यहाँ से रजिस्टर करना है। आपने यहाँ से रजिस्टर कर लिया है, आपका ईमेल आईडी डाल देना है, और आपको जो भी पासवर्ड रखना है 6 digit का, वो आपने पासवर्ड रख लिया। पासवर्ड डालने के बाद में आपको एक ईमेल आएगा, उसको आप कंफर्म ओके कर देना है। तो इसी कोटेशंस के अंदर जैसे कि आपको आपका लोगो डालना है, तो आप लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने जैसे अकाउंट बनाया है उसके अंदर आपको PNG या JPG फाइल है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और लोगो के अंदर डाल दीजिए। तो एक तरह से ये जो आपका पूरा का पूरा कोटेशन है वो रेडी हो जाएगा एक स्मार्ट तरीके से। तो ये हो गया, एक फ़ोन के ऊपर डायरेक्टली आप एस्टिमेट भी जनरेट कर सकते हो। सीगेट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो छोटे SIs हैं, जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, जो जिन्होंने शुरुआत की है, जो प्रिंट नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर वो कुछ अलग से कोटेशन बुक नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इंस्टेंटली आपको अगर ऐसा कुछ भी जनरेट करना हो तो भी आप कर पाओगे। सो यही था इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन के अंदर। प्लस हाँ, इस एप्लीकेशन के अंदर आप ये भी देख सकते हो कि आपके नियर बाय में जो सर्विस सेंटर्स हैं सीगेट के, वो कहां पर हैं। तो ओवरऑल इन्होंने क्या किया हुआ है कि इनकी एप्लीकेशन के अंदर इनके फीचर्स तो है ही हैं, साथ ही साथ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर का भी लेवल दे दिया है, आपके आपके SI का जो बेनिफिट है वो भी इन्होंने ध्यान रखा है, तो वो भी फीचर इसके अंदर दिए हुए हैं। तो काफ़ी बेहतरीन ऐप है। तो यही था हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। ये Part 1 और Part 2 दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, शायद आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो हमारे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अभी लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपके क्वेश्चन हैं, कुछ डाउट्स हैं, थोड़ा कमेंट बड़ा लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि उनके ऊपर कुछ वीडियो बनाने जैसे है, तो मैं 110% उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। आपका प्यार और आपका सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखे। जय हिंद।